नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएनसी टीवी और मैं हूं प्रणव झा। कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंदकर उसके पीछे ना चलिए, क्योंकि यदि ईश्वर की ऐसी मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। यह बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी। 1902 में जब स्वामी विवेकानंद जी काशी आए तो लोगों ने बताया कि आपकी प्रेरणा से यहाँ के युवाओं ने एक चिकित्सालय की स्थापना की। वो बेहद खुश हुए और उनसे मिलने पहुंच गए। जब उन्होंने अस्पताल का नाम देखा तो गंभीर हो गए। युवाओं ने अस्पताल का नाम रखा था पुअर मेंस रिलीफ एसोसिएशन। इस पर स्वामी जी का सवाल था कि आप राहत देने वाले कौन होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने खुद उस अस्पताल का नाम रखा होम ऑफ सर्विस। आज सर्विस अर्थात सेवा के मायने अलग हो गए। शायद अब व्यवस्था ने सेवा में भी वन व्यवस्था का निर्माण कर दिया है। गरीबों के भगवान शायद अब नहीं रहे। जिन्होंने अपने आप को चोले में लपेटकर भगवान बताया वो भी पत्थर के स्वार्थी और निर्दयी निकले। आइए पूछते हैं सवाल अब हुकूमत से। कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, एक सांसद के नाते उन्हें आना चाहिए, पर उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना था, माँ गंगा मैया को चुना था। यही तो कहा था, माँ गंगा मैया ने बुलाया इसलिए मैं आया हूँ काशी चुनाव लड़ने। तो जब उस गंगा मैया में हजारों लाशें कोरोना की तैर रही थी, तब कहा क्यों नहीं आया प्रधानमंत्री जी। जब दम तोड़ती सांसें आपको बुला रही थी, उनके परिवारजन बुला रहे थे, कोरोना में लाखों लोग संक्रमित थे, तब प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं आए। प्रधानमंत्री जी आप तब क्यों नहीं आए जब वैक्सीन दवाओं के अभाव में उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी के कारण अस्पतालों में ताले बंद हो गए थे। और प्रधानमंत्री जी आपकी आयुष्मान योजना जिसके भरोसे लोग थे, जब उन कार्डों को दुत्कारा जा रहा था, लोग अपने घर, जमीन, परिवार का कोई कीमती सामान बेचकर इलाज करा रहे थे, प्रधानमंत्री जी तब क्यों नहीं आए। अब इसलिए आ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव है। मत समझिए इसको कोई और प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्रांति करना जानता है, बगावत करना जानता है, बदलाव जानता है, अहिंसा का पुजारी है, पर दिमाग से खाली नहीं है। वो आपको इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को सबसे गहरी शिकस्त देने के लिए, हार देने के लिए तैयार बैठा है। अब आपके झूठे वायदे घोषणाओं पर कोई विश्वास करने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं। संकट और संकट के बीच में यह तस्वीर, मां के पैरों में बेटे की लाश और मृत बेटा का हाथ उस धरती मां पर टीका है जहां गंगा मां का वास है। मां की इस तकलीफ को तो शायद महादेव भी न देख सकते। अफसोस इस बात का है कि बेटे के शव को सम्मान देने के लिए इस बनारस में कोई वाहन भी न मिला। काशी में सन्नाटा है, जिन गलियों में रौनक और चहल पहल होती थी वहां अब खौफ है। अस्पताल में जगह नहीं, शमशान में कतार है। बनारस में सत्यता है, इस शहर को झूठ पसंद नहीं, यह शिव की नगरी है, गंगा माँ का धाम है। ये वो शहर है जहां सत्य की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद ने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया, स्वयं और अपने परिवार को बेच दिया। उस समय स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है, तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। लगता है आज ईश्वर नाराज हैं, माँ गंगा खामोश है। यहां से कुछ दूर एक शहर है जिसे लहुरी काशी कहते हैं। लहुरी का अर्थ छोटी यानी छोटी काशी। वहां के राही मासूम राजा साहब अपने उपन्यास आधा गांव में लिखते हैं कि गंगा इस नगर के सिर पर और गालों पर हाथ फेरती रहती है, जैसे कोई माँ अपने बीमार बच्चे को प्यार कर रही हो। परंतु इस प्यार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो गंगा
बिलख बिलख कर रोने लगती है और यह नगर आंसुओं में डूब जाता है। लोग कहते हैं कि बाढ़ आ गई। तो क्या इसका अर्थ यह है कि यहाँ के हुक्मरानों ने माँ गंगा के प्यार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप जो सोचिए। आइए अब बनारस से आपको ले चलते हैं लखनऊ की ओर। क्या लखनऊ चीन का वुहान बन चुका है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहते हैं कि लखनऊ के अधिकांश मोहल्ले मौत के मातम में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और उसकी व्यवस्था पंगुता की शिकार है। उसकी अक्षमता और अनुभवहीनता ने प्रदेश की जनता को घोर संकट में डाल दिया है। हॉस्पिटल वाले नहीं तोड़े हैं, मैं तोड़ी हूँ। क्यों निकाल रहे हो यहाँ से? पैनल में हमारे पापा, ऐसा नहीं है फ्री में इलाज नहीं हो रहा। आप ये बताइए गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपको कितना प्रॉपर सप्लाई कर रही है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन की कमी से निकाल रहे हैं? हाँ जी, ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी। हम रोड पे ऑक्सीजन लाएंगे, कहाँ से लाएं हम ऑक्सीजन? उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि आखिर कोरोना वायरस से हो रही मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है और संक्रमण से मौत के तांडव को रोकने की कोई स्पष्ट कार्य योजना क्यों नहीं है? सरकार में अंश मात्र भी नैतिक बल हो तो संक्रमण के व्यापक फैलाव और मौतों की जिम्मेदारी स्वयं आगे आकर ले। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि प्रदेश का आम आदमी अपने परिजन का अंतिम संस्कार भी सम्मानित तरीके से करने में लाचार है। सुबह से देर रात तक शवदाह गृहों और कब्रिस्तानों में लोग अपने मृत प्रियजनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जो एक्चुअल टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर का टेस्ट है, वो सिर्फ 30% हो रहा है आज यूपी में। उस समय उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? उसको बढ़ाने के बजाय एंटीजन टेस्ट क्यों शुरू किया? अपने आंकड़ों को कम करने के लिए। आज भी प्राइवेट लैब्स में तरह तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं हर जगह से कि प्राइवेट लैब्स को कहा गया है कि आप टेस्टिंग बंद करिए। किस लिए? किस लिए? टेस्टिंग से ही तो जान बचेगी। तो क्या जनता के की जान महत्वपूर्ण है, लोगों की जान महत्वपूर्ण है कि फिर आपके आंकड़े महत्वपूर्ण है, कि आपकी सरकार की इमेज महत्वपूर्ण है? तो देखिए, ये समय है, यूपी में कोई अलग स्थिति नहीं है पूरे देश से, सिर्फ ये है कि और भी भयानक स्थिति है। बट जो प्लानिंग स्ट्रेटजी की जो स्थिति है वही है जो जो केंद्र सरकार की है। ना बेड्स उपलब्ध कराए इन्होंने, महीने पड़े थे। स्टेडियम्स हैं आपके पास, इतनी मतलब इतनी सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं आपने बेड्स को इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं डाली? आपने ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज करने के लिए क्यों नहीं किया? हर जगह से ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सरकार क्या कर रही है। शमशान घाटों पर इतनी भीड़ लगी हुई है, लोग कूपन्स लेके खड़े हुए हैं। कुछ दिनों पहले मुझे बताया गया कि 12 घंटे के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही। मतलब ये स्थिति आ गई कि हम लोग सोच रहे थे कि किस तरह से हम मदद करें। लखनऊ में जो हो रहा है वो किसी अपराध से कम नहीं। हर शख्स के सांसों पर मानो पहरा है। शमशान में टोकन की व्यवस्था है, चिताएं लगातार धधक रही हैं। मुल्क मुसीबत में है, लोगों पर भारी विपदा है। जिंदगी की आस हर क्षण कमजोर पड़ती जा रही है। सरकार से लोग क्या पूछें? सरकार की काबिलियत सबके सामने उजागर हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में न्याय, विधायी एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बृजेश पाठक ने कथित तौर पर राज्य के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर लखनऊ में कोविड-19 की स्थिति पर चिंता जताई थी। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए की गई बद इंतजामी और बदहाली को लेकर सरकार के मंत्री ने सवाल उठाने के साथ कहा था कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हालात चिंताजनक हैं। अपने पत्र में पाठक ने कोविड की जांच रिपोर्ट में 4 से 7 दिन लगने, 5 से 6 घंटे में एम्बुलेंस पहुंचने, मुख्यमंत्री ऑफिस से भर्ती स्लिप मिलने में 2 दिन लगने, कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या कम होने, निजी पैथोलॉजी में कोविड जांच बंद होने और गंभीर रोगों से ग्रसित गैर कोविड मरीजों को
इलाज नहीं मिलने जैसी समस्याओं का जिक्र किया था। राम अवतार गुप्ता मुजद्दर साहब की वो लाइनें याद आती हैं, शामे अवध ने जुल्फ में गूंधे नहीं है फूल, तेरे बगैर सुबह बनारस उदास है। अवधी भाषा में एक कहावत है, जिक्रे पावना फटी बिवाई, ऊका जाने पीर पर आई। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए INC TV।